तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुरिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले बचे हैं। वे बुरी तरह से झुलस गए हैं और उनकी हालत काफी गंभीर है। उनका वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से देश भर में शोक की लहर है। सीडीएस समेत जवानों को जाने वाले लोग बेहद स्तब्ध हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी के अलावा मरने वाले कौन थे? आइए जानते हैं कौन अफसर किस रोल में था और कहां के रहने वाले थे। अधिकारियों के अनुसार हादसे में जान गंवाने वालों की सूची इस प्रकार है। 1. सीडीएस जनरल बिपिन रावत। 2. मधुलिका रावत। 3. ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर, हरियाणा के पंचकुला जिले के निवासी व जनरल रावत के रक्षा सलाहकार थे। 4. लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी व जनरल रावत के स्टाफ ऑफिसर थे। 5. विंग कमांडर पीएस चौहान, जिस MI-17 हेलीकॉप्टर का दुर्घटना हुआ उसे विंग कमांडर पीएस चौहान उड़ा रहे थे। चौहान सोलन में 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। 6. स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के को पायलट थे। वे राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी थे। 7. JW राणा प्रताप दास, ओडिशा के तालचर जिले के निवासी। 8. JW प्रदीप, केरल के त्रिची जिले के निवासी। 9. हवलदार सतपाल राय, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के निवासी व जनरल रावत के PSO थे। 10. नायक गुरु सेवक सिंह, 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस, पंजाब के तरन तारण जिले के निवासी। 11. नायक जितेंद्र कुमार, 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के धामंदा गांव के निवासी। 12. लांस नायक विवेक कुमार, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, जनरल रावत के PSO, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी। और 13. लांस नायक बी साई तेजा, 11 पैरा स्पेशल फोर्सेस, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के निवासी व जनरल रावत के PSO यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे।